इंसानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेजने के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट कल लॉन्चिंग के बाद आसमान में ही फट गया। इसे टेक्सास के बोका चुका में प्राइवेट स्पेसएक्स स्पेसपोर्ट स्टारबेस से लॉन्च किया गया था। असफलता के बावजूद स्पेसएक्स कंपनी ने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया। एलोन मस्क की ओनरशिप वाली कंपनी स्पेसएक्स ने ट्वीट कर कहा कि स्टारशिप के पहले फ्लाइट टेस्ट के लिए पूरी टीम को बधाई। टीम डेटा रिव्यू करना जारी रखेगी और अगले फ्लाइट टेस्ट की दिशा में काम करेगी। ये परीक्षण हमें स्टारशिप की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करेगा क्योंकि स्पेसएक्स जीवन को बहुग्रही बनाना चाहता है। दरअसल स्टारशिप कैप्सूल को उड़ान के 3 मिनट के पहले चरण में रॉकेट बूस्टर से अलग होना था, लेकिन अलग नहीं होने के कारण रॉकेट में विस्फोट हो गया। जिस वक्त विस्फोट हुआ रॉकेट 33 किलोमीटर की ऊंचाई पे था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब करें।